पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खैर अभी तक तो लाइक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आज मैंने उसी स्ट्रेटजी को यूज करके 3 ट्रेड लिया और तीनों ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, मैंने अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पर रखा था और टारगेट कैसे सेट किया था। देखिए अगर आप बिगनर हैं और आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं तो आप मेरी वीडियो से बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं जो आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी या इंडिकेटर नहीं है जो 100% वर्क करता हो। तो इसलिए कभी भी आप यह मत सोचिए मैंने इस स्ट्रेटजी या इंडिकेटर को सीख ली अब तो मैं डेली प्रॉफिट करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको यह चीज देखना है कि आपको कहां पर लॉस लेना है और कहां पर प्रॉफिट करना है। देखिए यहां पर मैंने अपने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। 2 ट्रेड लेते समय मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इन दोनों ट्रेड में स्कैल्पिंग की, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे मैंने यहाँ पर किस चीज को देखकर ट्रेड ली। सिंपली यहाँ पर देखिए मैंने इस स्टॉक में 500 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। पहले मैंने इसमें स्कैल्पिंग किया था जहाँ पर हमें 250 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और जब मैंने इसमें 500 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई तो वहां से प्राइस गिरने लगी और अभी हमें इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो पहले इसको समझते हैं मैंने यहाँ पर क्या देखकर एंट्री ली है और मेरा टारगेट कहाँ पर है और मैंने अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पर सेट किया है। देखिए यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई है 175.30 रुपए पर, हमारा स्टॉप लॉस है 178 रुपए और हमारा टारगेट है 172 रुपए। देखिए आप यहाँ पर सोच रहे होंगे मेरा स्टॉप लॉस मेरे टारगेट से बड़ा है, यह तो गलत है। टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए और स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक सेफ एंट्री ली है जिससे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा होगा और टारगेट छोटा दिख रहा होगा। जैसे इस स्टॉक की प्राइस गिरती जाएगी मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसके चार्ट को ओपन कर लिया है। इस ग्राफ को तो देखकर मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी। अब चलिए कैंडल स्टिक पर नजर डालते हैं और अपने स्ट्रेटजी को देखते हैं क्या हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी या नहीं। हम यहाँ पर इस स्टॉक के चार्ट पर आ चुके हैं। पहले मैं इसके टाइम फ्रेम को 5 मिनट पर सेट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने किस चीज को देखकर एंट्री ली है और मैंने अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पर सेट किया है। यहाँ पर देखिए इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना और इसकी प्राइस गिरने लगी, और यहाँ पर हमारे दोनों इंडिकेटर ने सिग्नल दिए कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर 500 क्वांटिटी से एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली। अब थोड़ा इसी चीज को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि कैंडल क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया है और आपको यहाँ पर भी दिख रहा है एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और अगली कैंडल इस सपोर्ट लाइन के पास आ चुकी है। जैसे ही यह कैंडल इसके नीचे आएगी यहाँ पर हमारे दोनों इंडिकेटर इंडिकेट कर देंगे कि अब यहाँ से इसकी प्राइस गिरने वाली है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे इंडिकेटर ने सिग्नल दे ही दिया है कि अब यहाँ से इसकी प्राइस गिरेगी। और यहाँ पर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट किया है इस कैंडल के पास। वैसे तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सेफ पोजीशन बनाने के लिए अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर सेट किया है और मैं अपने टारगेट को यहाँ पर अचीव करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर इसकी प्राइस गिरती है तो यहाँ तक आ सकती है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस गिर रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। पहले इसमें हमें 250 रुपए का प्रॉफिट था तब मैंने यहाँ पर दूसरी एंट्री बनाई थी। चलिए थोड़ा सा इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कैसे स्कैल्पिंग की। सिंपली यहाँ पर देखिए इस स्टॉक की प्राइस यहाँ से ओपन हुई और यहाँ तक गई। मुझे लगा यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी तो मैंने यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री बनाई एक शॉर्ट सेलिंग की। एंट्री बनाते ही इसकी प्राइस बढ़ने लगी और मुझे यहाँ पर 400-500 रुपए का लॉस होने लगा, लेकिन दूसरी कैंडल बनते ही इसकी प्राइस गिरने लगी, हमारा लॉस रिकवर हो गया और जैसे मुझे इसमें 600 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट दिखा मैं सिंपली यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो गया। देखिए जैसे हमारे इंडिकेटर ने इंडिकेट किया था उसी हिसाब से इस स्टॉक की प्राइस गिर रही है और हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब यह होता है हमने जहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रखा था
अब अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और कम कर देंगे ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो हमें कम लॉस हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को 178 से 177 रुपए पर कर देता हूँ। देखिए जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस गिर रही है हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, 900 1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखते हैं क्या इस स्टॉक की प्राइस हमारे टारगेट को हिट कर पाती है या नहीं। देखिए आप में से बहुत से लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन ग्रो एप्स के अंदर उनका फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सिंपली आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको 2 से 3 दिन के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन का फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से करेंगे तो थोड़ा बहुत कमीशन मुझे भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो यहां से अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमारा टोटल प्रॉफिट 1600-1700 रुपए के आसपास में चल रहा है क्योंकि इस ट्रेड में हमने 682 रुपए की प्रॉफिट की है और अभी इस ट्रेड में 1100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। आप यहां पर कैंडल को देख सकते हैं, यहां पर कैंडल गिरते जा रही है और मैं धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जा रहा हूं ताकि अगर अचानक से इसकी प्राइस बढ़े तो हमें कम लॉस हो और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो। देखिए अभी इस स्टॉक की प्राइस 173 रुपए के आसपास में आ चुकी है और मैं अब सिंपली यहां से अपने पोजीशन को एग्जिट करने वाला हूं। लेकिन क्यों, मैंने तो यहां पर अपने टारगेट को 172 रुपए पर सेट किया है, फिर मैं यहां से अपने पोजीशन को एग्जिट क्यों कर रहा हूं? पहले मैं यहां पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके पीछे की लॉजिक को बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर 173 रुपए पर ही अपने पोजीशन को एग्जिट क्यों किया। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पिछली बार इस स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट ली थी और अभी इस स्टॉक की प्राइस यहीं पर रिट्रेस ले रही है। अगर हम चार्ट को थोड़ा सा और पीछे करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार यहाँ पर फिर से इस स्टॉक ने यहीं से सपोर्ट लिया था और यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर गई थी, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहीं पर सपोर्ट लेकर इसकी प्राइस ऊपर गई और फिर यहीं पर आकर इसकी प्राइस अभी रिटेस ले रही है। तो हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर अपने ट्रेड को 173.30 रुपए पर एग्जिट किया जहाँ पर हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टोटल इस स्टॉक में हमें 1250 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 250 रुपए का प्रॉफिट मैंने स्कैल्पिंग में बुक की थी और 1000 रुपए की प्रॉफिट हमें अभी हुआ। देखिए अगर मैं इस चीज को नहीं देखता तो मैं अपने टारगेट तक वेट करता और यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस वापस रिवर्स होकर मेरे स्टॉप लॉस को काट देती और हमें लॉस होता। देखिए यह चार्ट थोड़ी देर बाद की है और आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं जहाँ पर मैंने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया था इस स्टॉक की प्राइस यहीं से रिवर्स हुई और अगर मैं यहाँ पर रुका होता तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। तो इसीलिए ट्रेड लेने के बाद हमें यह भी देखना होता है कहाँ पर हमें एग्जिट होना है और कहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए आज मैंने 3 ट्रेड ली और तीनों ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट हमारा 1932 रुपए का है, इसमें से 300 रुपए ब्रोकरेज कट जाएंगे तो हमें यहाँ पर टोटल 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आप भी इंट्राडे से डेली के 1500 रुपए की प्रॉफिट करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और मैं आगे भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें कि मैं एक दिन पहले ही आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट करूंगा कि आपको वहां पर बाई करना है या सेल करना है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं तो मैं कल इस चैनल पर उस वीडियो को अपलोड करने वाला हूं। मुझे पता है आप लोग 1000 लाइक तो कर नहीं सकते लेकिन मैंने जो कहा है वह तो मैं करूंगा ही। मैं कल इस चैनल पर आपको अपनी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है और कैसे पता चलेगा कि कब स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है और कब गिरने वाली है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ एंजल वन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।